दोस्तों ये सच है कि दुनिया में बहुत सारे स्मार्टफोन का कंपनी है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे शाओमी, रेडमी, एमआई, पोको, नोकिया, आसूस, सोनी, कोई भी फ़ोन, जी हाँ, ये सारे के सारे जो कंपनी है ये स्मार्टफोन बनाती है। फिलहाल अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, उस स्मार्टफोन में आप लॉक लगा दिए हैं, आप वो लॉक भूल गए हैं, गलती से भूल गए हैं, कोई जान से नहीं भूलते हैं। भूलने का कारण बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है आप पासवर्ड भूल गए होंगे, पैटर्न भूल गए होंगे, या तो फिर आपका जो फिंगरप्रिंट है आपके फ़ोन में वो रीड नहीं कर रहा है, या तो फिर आपका फेस लॉक नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जी हाँ, सर्विस सेंटर के मेथड के थ्रू उस आप भूले हुए पिन, पैटर्न, पासवर्ड को आप खोल सकते हैं। लेकिन आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वहाँ पर आपका पैसा तो खर्च होगा ही, आपका टाइम भी लॉस होगा, मोबाइल का जो डेटा है वो डेटा भी लॉस हो जाएगा और पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन ये सब को बचाते हुए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका फ़ोन कैसे अनलॉक कर, आप अपने फ़ोन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो वीडियो में बताया गया है स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने फ़ोन में ट्राई किए हैं कि नहीं किए, सबसे बड़ा मैटर यही करता था। यहाँ पे देख रहे लाइव, यहाँ पे फ़ोन देख रहे, फ़ोन लॉक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फ़ोन लॉक नहीं है, यहाँ पे फ़ोन ओपन है, आप इस फ़ोन से कहीं भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप मान लो कि आपने फ़ोन लॉक किया, ठीक है, लॉक किया, अब इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, जो पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ये पैटर्न हमको नहीं मालूम है, देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ये पैटर्न हमको नहीं मालूम है, और आप भी अपने फ़ोन का लॉक भूल गए हैं, तो क्या आप सर्विस सेंटर जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना है, आपको YouTube पे एक से एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हो सके कोई ओल्ड हो, कोई मीन्स ओल्ड वर्जन हो, पुराना हो, इसलिए आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये पूरा का पूरा यानी कि लेटेस्ट वर्जन है और नया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे नया ट्रिक आपको अभी YouTube पे नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, जब भी आपका फ़ोन में लॉक लग जाए आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले लॉक वाला इंटरफेस पे चल जाना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैटर्न को यानी कि गलत पैटर्न बार बार डाल के वो अपने फ़ोन को डेड कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलत पासवर्ड बार बार डालते हैं और यहाँ पे टाइमिंग शो होता है, इसलिए ये स्टेप से बचिए। जब लॉक वाला इंटरफेस पे आओगे तो पहला स्टेप क्या करना, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको मैंने किया और जैसे ही ये प्रेस करोगे स्टार हैज 813 और हैज, ये देखो सॉरी हैज, तो ये फ़ोन देख रहे नहीं खुला, नहीं खुला, तो अब स्टेप सीख लो क्या है। पहला स्टेप क्या है, आपको इमरजेंसी कॉल पर जाना है, मैंने गया और यहाँ पे एक कोड डायल करना है, ये वाला खुलेगा उसी कोड से, लेकिन पहले आप स्टेप कंप्लीट करोगे तभी खुलेगा। यहाँ पे ये कोड डायल करना अपने फ़ोन में, सेम कोड और यहाँ पे हैज, और यहाँ पे जैसे ही ये इंटर हो जाएगा सेम टू सेम कोड आपके फ़ोन में, तो कॉल वाला बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे इस तरह से ओके कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही आप ओके करोगे ओके आएगा बार बार, और यहाँ पे आपको 5 से 6 बार ओके करना, चलो 5 से 6 बार हो गया है, जैसे ही हो जाएगा अब इसको यहाँ से हटा देना है। अब क्या करना, एक कोड है ऑफलाइन मोड का कोड, ध्यान दीजिएगा ऑफलाइन मोड का कोड, यहाँ पे हैज नहीं है, यहाँ पे 8400661009 और हैज, ये ऑफलाइन मोड का कोड है। इस पे जैसे ही आप 1 टाइम कॉल करोगे आपका फ़ोन चला जाएगा ऑफलाइन मोड में। अब यहाँ से आपका फ़ोन ऑफलाइन मोड में चला गया और डॉपलर सिस्टम ऑन हो गया है। अब यहाँ से इस कोड को हटा दीजिए, एक फाइनल कोड है, ये देखिए स्टार हैज 8 और हैज प्रेस करके आपका फ़ोन चला जाएगा इंजीनियर मोड में। मैनुअल टेस्ट पे जाना है, सेकंड पेज में जाना है, सेंसर है, आपको सेंसर को ऑन करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे इस तरह से ऑन कर देना है, और 2 सेंसर 3 सेंसर 4 सेंसर जितना भी मिले सभी को ऊपर से आपको क्लिक करना, नीचे से नहीं ऊपर से क्लिक कीजिएगा, और एक सेंसर इस तरह से टेस्ट पास करके आ जाएगा। देख रहे यहाँ पे सेंसर पास हो गया, जैसे ही आपका पास हो जाएगा यहाँ से बैक करना है, यहाँ से बैक करने के बाद प्रॉक्सीमीटर सेंसर टेस्ट इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे सेकंड पेज को इस तरह से ओके करना, और आपको यहाँ पे 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे
जब कंप्लीट हो जाए इस पेज से बैक हो जाना है और स्लाइड करते हुए एक अदर्स नाम का पेज मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार गूगल की स्टेटस में गूगल की आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में गूगल की पास हुआ कि नहीं हुआ। जब गूगल की इस तरह से पास मिलेगा तो आपको फिर से चल जाना लॉक वाला फेस पे। ये देखिए मेरा काम यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर से आपको ट्राई करना होगा। ये देखिए इमरजेंसी कॉल, और यहाँ पर अब वही कोड डालना है जो मैं आपको शुरू में बोला था, *#8131##8133। और देखिएगा मैं हैज प्रेस करूँगा, ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। देख रहे फ्रेंड्स, ये फ़ोन अनलॉक हो गया क्योंकि मैं सारा स्टेप इसमें 100% करेक्ट यूज किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका भी फ़ोन अनलॉक हो गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। नहीं हुआ है तो आप उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बताओ कि सर हम यहाँ से फंसे हुए, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। हमारी टीम आपको 48 से 24 घंटे में हेल्प कर देगी। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द 5 से 10 मिनट में, तो आप हमारे ज्वाइन के बटन को क्लिक करो और आप हमारी टीम से जुड़ जाओ। जहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करोगे, हमारी टीम की ओर से एक वीडियो कॉल जाएगा, उस वीडियो कॉल पर आपको हेल्प किया जाएगा।